देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता देखा जा रहा है कोरोना को लेकर कुछ ज़रूरी नियम कायदे लागू किए गए हैं जिनमें मास्क लगाना सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी चीज़ें शामिल हैं वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को या तो अस्पताल में आइसोलेट किया जाता है या घर में ही क्वारंटाइन किया जाता है आज आपको बताते हैं होम क्वारंटाइन का शेड्यूल जो मरीजों के लिए बनाया गया है ये शेड्यूल कोरोना मरीजों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें जिस तरह का शेड्यूल दिया गया है अगर वो हम अपनाएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा इस शेड्यूल के हिसाब से सुबह छः बजे उठने का टाइम है इसके बाद साढ़े छः से सात बजे तक आधे घंटे तक योगा और प्राणायाम सात बजे पचास से सौ एम गर्म नींबू पानी साढ़े सात से आठ के बीच नाश्ता जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो नाश्ते के आधे घंटे बाद साढ़े आठ बजे पचास से सौ एम गर्म कच्ची हल्दी वाला दूध नौ बजे से पाँच से दस मिनट के लिए स्टीम यानी कि भाप लेनी है इसके आधे घंटे बाद साढ़े नौ बजे से पचास से सौ एम गर्म पानी में बनाए गए काढ़े का सेवन करना है ग्यारह बजे पचास एम गर्म चाय 12 बजे 50 से 100 एम गर्म नींबू पानी एक से दो बजे के बीच दोपहर का खाना जिसमें विटामिन सी और बी से जुड़े पोषक तत्व मौजूद हों खाने के बाद तीन बजे पाँच से दस मिनट के लिए भाप लेनी है चार से पाँच बजे तक एक घंटे के लिए आराम शरीर के लिए ज़रूरी है साढ़े पाँच बजे के, के करीब पचास से सौ एम गर्म पानी में बना काढ़ा पीना है छः से सात बजे तक एक घंटे योगा और एक्सरसाइज एक्सरसाइज कंप्लीट होने पर सात बजे पचास से सौ एम गर्म नींबू पानी का सेवन करना है साढ़े सात से साढ़े आठ के बीच रात का डिनर यानी रात्रि भोज हो जाना चाहिए जिसमें विटामिन सी और ई e से जुड़े पोषक तत्व मौजूद हों रात्रि भोज के बाद नौ बजे पाँच से दस मिनट के लिए भाप लेवें भाप लेने के आधे घंटे बाद साढ़े नौ बजे 50 से 100 एम एल काढ़ा पिए इसके बाद सोने से पहले 50 से 100 एम एल गर्म दूध का सेवन करें कोरोना के लक्षण वाले मरीज़ों को जब होम क्वारंटाइन किया जाता है तो उन्हें इसी शेड्यूल के हिसाब से चलने को कहा जाता है ताकि वो कोरोना को मात दे सकें लेकिन इस शेड्यूल को हम अपने जीवन में अपना कर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं साथ ही कोरोना वायरस से भी खुद का बचाव कर सकते हैं आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें